जबलपुर में नर्सेज एसोसिएशन ने सामूहिक अवकाश का आह्वान किया है। नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षा सोलंकी ने बताया, अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज एक दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर हैं और 30 जून को पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में नर्सेज एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल करेंगे। वहीं जबलपुर मेडिकल अस्पताल में नर्सिंग स्वास्थ्य संघ संगठन की सचिव विनीता गुप्ता ने बताया, कोरोना वायरस संक्रमण ब्लैक फंगस को देखते हुए उनके संगठन की नर्सेज ने नर्सेज एसोसिएशन की हड़ताल का समर्थन नहीं किया। उनके संगठन द्वारा लगातार स्वास्थ्य सेवाएं मेडिकल कॉलेज में दी जा रही हैं, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से संचालित हो रही हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक राजेश तिवारी ने बताया, नर्सेज एसोसिएशन की हड़ताल से किसी भी प्रकार का प्रभाव स्वास्थ्य सेवा पर नहीं पड़ेगा। कि आपको पता है, इस पूरे महीने हमने 7 दिन चरणबद्ध जो विरोध प्रदर्शन किया 7 दिनों का, उसके बाद भी शासन को ऐसा नहीं लगा कि नर्सेज गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में कुछ काम आती होंगी। शायद यही सोच है उनकी, इसीलिए उन्होंने आज तक हमें बैठक के लिए नहीं बुलाया। आज हमने पूरे मध्य प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज है, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जितनी CHC PHC है, सभी जगह संपूर्ण नर्सेज ने सामूहिक अवकाश लिया है और सब आज एक दिन के लिए छुट्टी पर है। आज भी हम शासन को आप लोगों के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि अभी भी जाग जाइए, आज संपूर्ण काम बंद है पूरे मध्य प्रदेश में। अभी कोरोना महामारी को देखते हुए हम समस्त स्टाफ नर्सेस संस्था में अपना कार्य दे रहे हैं, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग शिफ्ट में 40 से 50 स्टाफ नर्सेस पूरे हॉस्पिटल को संभाले हैं। इसी तरह इवनिंग और नाइट में भी हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस ब्लैक फंगस और कोरोना महामारी में हम किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल में शामिल नहीं है। हम लोगों को जो भी अपनी मांगे उस प्रशासन से पूरी करानी है, उसकी हम लिखित सूचना उन्हें दे रहे हैं और उसका जवाब भी हमें मिल रहा है। और कोरोना महामारी में इस आपातकालीन चल रहा है, उसमें मानव सेवा को देखते हुए हम अपने कार्य से विमुख नहीं हो सकते, इसलिए हम अपनी हड़ताल में शामिल नहीं है। मांगे उनकी ऐसी ऊपर के स्तर की है और चर्चा हो चुकी है उनकी, और उन्हें आश्वासन भी दिया जा चुका है। उसके बावजूद ये लोग एक दिन के सामूहिक अवकाश पर गए हैं, ऐसा सभी बहुत से कार्य पर उपस्थित हो गए हैं। कुछ नर्सेज जो है वो काम पर उपस्थित है, वो इसको सपोर्ट नहीं करते। सर, 30 तारीख से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कर रही हैं, किस तरीके से स्थिति बिगड़ सकती है, उसके लिए क्या हम लोग यहाँ बाहर से बुलाएंगे? उसके लिए दूसरे प्रयास पर कोई जारी नहीं हमारी तरफ से, डीन साहब की तरफ से व्यवस्था करनी चाहिए प्राइवेट कॉलेजों से।